हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम कपिल भाई है। दोस्तों, अगर आप इस तरह की जो स्क्रीन पर आप वेबसाइट देख रहे हैं, अगर आप इस तरह की वेबसाइट को बनाना सीख गए तो आप हर त्यौहार के सीजन में लाखों रुपया कमा सकते हैं। मैं आज के इस वीडियो में इसी तरह की वेबसाइट आपको बनाकर दिखाऊंगा, वो भी अपने एक मोबाइल फोन से, क्योंकि काफी सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता है। तो मैं मोबाइल से समझाऊंगा कि कैसे आप जो है इस तरह की वेबसाइट को बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और कैसे आप पहले दिन से ही पैसा कमा सकते हैं, पूरा तरीका बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। मैं मोबाइल से समझाने वाला हूं आज आपके लिए। हैप्पी दशहरा के ऊपर एक वेबसाइट को बनाना बताऊंगा, जो कि आप बहुत ही आसानी से मोबाइल से सीख सकते हैं। यहां मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, और जो भी मैं मोबाइल में करूंगा वो आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैं ब्लॉगर पर आ चुका हूं। आपको ये वेबसाइट बनाने के लिए सिंपली जो है गूगल पर जाना, गूगल पर जाकर ब्लॉगर सर्च कर लेना, और ब्लॉगर नाम की एक वेबसाइट आएगी, इसको इस तरीके से ओपन कर लेना। जब ब्लॉगर में आने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके फ़ोन में जितनी भी जीमेल आईडी खुली होगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप जो है इसको लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 डॉट का ऑप्शन। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये एरो का आइकन मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा यहाँ पर न्यू ब्लॉग। यहाँ न्यू ब्लॉग पर आपको क्लिक करना है। सिंपल, मैं यहाँ पर एक न्यू ब्लॉग को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ न्यू ब्लॉग पर आने के बाद आपको एक टाइटल पूछेगा, तो यहाँ टाइटल आपको डाल देना। जैसे मैं आज हैप्पी दशहरा के ऊपर ये वेबसाइट जो है बना रहा हूँ, तो मैं डालूँगा हैप्पी दशहरा विशिंग। ठीक है, हैप्पी दशहरा विशिंग डाल दिया मैंने, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का जो है लिंक बनाना है यहाँ पर .blogspot.com के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, हैप्पी दशहरा, कुछ ऐसा यूनिक अक्षर डाल देना है जिससे ये बन जाए, क्योंकि काफ़ी सारी बार जो है बनती नहीं है वेबसाइट यहाँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हैप्पी दशहरा 2024, और यहाँ पर ये URL आ चुका है, इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर दूँगा। तो सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो जाएगी, मतलब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसमें अभी सारी डिज़ाइनें वगैरह हमें करनी पड़ेंगी। अब कैसे करना है सब कुछ सीखेगा मोबाइल से। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है 3 डॉट के ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वो आ रही है, यहाँ पर देखना ध्यान से। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे चलना है, और यहाँ आपको थीम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ चलना है आपको थीम पर। दोस्तों जैसे आप थीम पर जाते हैं, थीम पर जाने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से ये थीम बन के आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर चलना है, ये एक एरो का आइकन आ रहा है, इस पर जो कस्टमाइज के पास में एरो का आइकन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखेंगे कि आपको मोबाइल ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मोबाइल सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, मोबाइल ऑप्शन कैसे आता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप ऐसे ही डिजाइन कर देंगे तो ये वेबसाइट मोबाइल में ओपन नहीं होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे जाना है थीम के अंदर, यहाँ नीचे थीम के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको एक थीम मैं बता रहा हूँ उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही यहाँ पर मोबाइल सेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप नीचे जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर आपको एक सिंपल ब्लॉग नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए सिंपल ब्लॉग, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको इसको अप्लाई कर देना है। देखिए अप्लाई हो चुका है, ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से ऊपर जाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से हम थीम को एडिट कर रहे थे, यहाँ पर ये वाला सिंपल ब्लॉग वाला थीम यहाँ पर आ चुका है। अब हम अगर इस एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मोबाइल सेटिंग का ऑप्शन आ चुका है, आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको मोबाइल सेटिंग पर क्लिक करना है, ये देखिए मोबाइल सेटिंग मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मोबाइल थीम चुने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ हमें डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ सबसे लास्ट वाला लगा देना है ये वाला, और आपको सेव कर देना है। ध्यान रखना है, अब इसके बाद फिर से आपको इसी एरो पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको मोबाइल सेटिंग का ऑप्शन आएगा, और यहाँ फिर आपको डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है, और बस आपको सेव कर देना है। ये दोनों सेटिंग आपको करनी है। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, सिंपल हमें यहाँ एक जो है फिर से इसी एरो पर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा पहली जनरेशन की क्लासिक थीम पर स्विच करें। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको बीच वाले ऑप्शन पर जाना है, बैकअप के बिना क्लासिक थीम पर स्विच करें। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख गया HTML में बदलाव करें, पहले यहाँ पर लिखा था कस्टमाइज करें, तो बस यहीं पर हमें छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट को देखना है कि हमारी वेबसाइट अभी कैसी दिख रही है। यहाँ पर हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है, और हमें नीचे जाना है या व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरीके की दिख रही है। ये देखिए इस तरह की हमारी वेबसाइट अभी दिख रही है। अब सिंपल हमें करना क्या होगा कि इसको हमें डिज़ाइन करना है। चलिए हम फिर से चलते हैं बैक में, हम बैक में आ चुके हैं, और अब हमें चलना है यहीं पर एडिट HTML के अंदर। यहाँ एडिट HTML पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जो जितना भी ये कोड आ रहा है इस कोड को डिलीट करना है।
अब बहुत सारे मेरे भाई लोग के साथ दिक्कत आती है कि ये कोड वो मोबाइल से डिलीट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। सिंपल क्या करना है, क्रोम के अंदर 3 डॉट पर जाना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद में आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है, और इसको करने के बाद में आप इसको बहुत ही आसानी से डिलीट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसके बाद हम इसे बैक ऑप्शन दबा देंगे। अब आप देखेंगे कि ये हमारा पूरा डिलीट हो चुका है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप स्क्रिप्ट को डिलीट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट को डालना है, उससे आपकी हैप्पी दशहरा की वेबसाइट है वो एकदम रेडी हो जाएगी। अब वो स्क्रिप्ट आपको लाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा डाउनलोड स्क्रिप्ट का, तो आपको वहाँ पर जाना है। तो दोस्तों जैसे ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे जहाँ पर डाउनलोड स्क्रिप्ट लिखा होगा, तो सिंपल आप सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा हैप्पी दशहरा वायरल स्क्रिप्ट। अब आपको क्या करना है, ये हैप्पी दशहरा वायरल स्क्रिप्ट को क्लिक कर देना है। देखिए इस तरीके से क्लिक कर दिया तो हो सकता है आपके सामने एक ऐड खुल जाए, तो बैक आने के बाद आपको फिर से इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये दशहरा वाले जो स्क्रिप्ट है उसका पेज खुल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया कि कैसे आप इस स्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे और आपको एक स्क्रिप्ट डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। फिर से एक ऐड खुल सकता है, इसको बैक आकर फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखिए पूरे पेज में स्क्रिप्ट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए सिंपल हमने बताया आपको सिलेक्ट करना है, इस तरीके से कोई भी एक अक्षर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको ये सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दिया, सिलेक्ट ऑल से एक पेज ही सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब दोस्तों हो सकता है कि ये स्क्रिप्ट आपकी कॉपी ना हो, तो कॉपी ना हो तो आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक गूगल डॉक का एक ऐप मिलेगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप इस को जो है इस स्क्रिप्ट को आसानी से जो कॉपी कर सकते हैं, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही आपका गूगल डॉक इंस्टॉल हो जाए इसे सिंपल ओपन कर लीजिएगा, इसके बाद ओके करते हैं और इस तरीके से ये जो है पेज यहाँ पर इस तरीके से गूगल डॉक के अंदर खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ से आप सारा कुछ कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैंने बता दिया कि पहले आपको गूगल डॉक का ऐप इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद फिर से आपको स्क्रिप्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है जिससे आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि सारे पेज का जो स्क्रिप्ट है वो कॉपी हो सिलेक्ट हो जाएगा। जब सिलेक्ट हो जाए तो सिंपल हमें कॉपी कर लेना है, कॉपी का ऑप्शन आ ही जाएगा। ये देखिए कॉपी कर लिया। अब हमें कहाँ चलना पड़ेगा, अपने ब्लॉगर पर। तो हम चलते हैं क्रोम पर, जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है, और इसके अंदर हमने जो अपना ब्लॉगर पर वेबसाइट बना रहे थे वहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर हमने स्क्रिप्ट को डिलीट किया था, यहाँ पर आने के बाद अपने ब्लॉगर में इस स्क्रिप्ट को डाल देना है। स्क्रिप्ट को डालने के लिए सिंपल हमें करना क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा देर से दबाना है और यहाँ पर आपके लिए पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको पेस्ट कर देना है। इससे आपकी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ ब्लॉगर पर आ जाएगी। बस आपको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है, इस तरीके से जूम आउट करने के बाद में आप देखेंगे ऊपर आपको एक सेव का ऑप्शन आएगा, सिंपल हमें सेव पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सेव पर क्लिक कर दिया है, जिससे मेरा स्क्रिप्ट जो है अपडेट हो गया है। एक बार में अगर आपका नहीं होता है तो आप एक बार बैक आकर फिर से स्क्रिप्ट को पेस्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका सेव हो जाए आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको इसी 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा फिर से ब्लू ब्लॉग, जो ब्लू ब्लॉग है आपका, किस तरीके से आपका वेबसाइट दिख रहा है। तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वेबसाइट पूरी तरीके से खुल चुका है, बन चुका है, डिजाइन हो चुका है और मोबाइल में भी ओपन हो चुका है। अब हमें करना कि यहाँ पर सिंपल अपना नीचे नाम डाल के देख लेना है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या फिर नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कपिल भाई और यहाँ क्लिक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऊपर यहाँ पर लिख जाएगा, देखिए कपिल भाई की तरफ से आप सभी को दशहरा के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये पूरा तरीके से यहाँ पर बन के आ रहा है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल इसको सेव करना है, शेयर करना है किसी को व्हाट्सएप पर, तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। और इस कोड में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इस कोड को इतने तरीके से बनाया गया कि आप इसको अगर अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं तो शेयर बटन के अंदर आपकी ही वेबसाइट का जो है लिंक आएगा, मतलब हमारा लिंक नहीं जाएगा। आप समझिए कि वेबसाइट तो यहाँ पर बन गया, अब इससे पैसा कैसे कमाना है। ये वेबसाइट बन गया, यहाँ पर सॉरी एक सेटिंग रह गया है कि ऊपर एक लाइन आ रही है, पट्टी आ रही है, ये कैसे हटेगी। काफ़ी सारे लोग इसको भी हटाना चाहते हैं, तो इस पट्टी को हटाने के लिए दोस्तों सिंपल आपको कहाँ जाना है, यहीं पर जाना है ब्लॉगर के अंदर। ब्लॉगर के अंदर जाने के बाद आपको थीम पर क्लिक करना है, थीम पर क्लिक करने के बाद आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, सॉरी डॉट पर क्लिक करना है, और आपको नेविगेशन बार को क्लिक करना है। अब यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर जाना एरो पर और यहाँ पर कोई नहीं मतलब नो पर क्लिक कर देना है,
नो पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो नेविगेशन बार ऊपर आ रही थी वो भी अब नहीं आएगी, प्लेन आएगी। अब समझिए, अब वेबसाइट आपका बन गया तो अब आपको पैसा कैसे कमाना है। पैसा कमाने के लिए इसको मोनेटाइज करना होगा, और कैसे आपको वेबसाइट को मोनेटाइज करते हैं, कैसे उस पर ऐड लगाते हैं, उसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, स्क्रीन पर भी आपको वीडियो दिख रहा होगा। आप जाकर यहां से अपनी वेबसाइट को फ्री में मोनेटाइज कर सकते हैं और पहले दिन से ही इस वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं। तो अभी जाओ इस वीडियो को पूरा देखो, जिससे आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करके ऐड लगा पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।